भाई आज सुबह हम कैसी धाम से निकल गए थे घर के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश और लैंडस्लाइड होने की वजह से हमें नैनीताल में रुकना पड़ गया। और आप ये कपड़े वगैरह की हालत चेक कर सकते हो, सब कुछ भीग गया भाई, बैग वगैरह सब कुछ भीग चुका है। और ये रहा अपना अंकु भाई, आपको बाहर का वेदर चेक कराते हैं। बारिश हो रही है कल रात से, तब हम घर से निकले थे ना तब से भीगते भीगते आ रहे हैं। और ये चेक करो आप बाहर कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, दिख रही होगी आपको। लेकिन बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड वगैरह होने की वजह से, बारिश होने की वजह से हमें नैनीताल में रुकना पड़ गया। और ये आप हालत चेक कर ही सकते हो, कपड़े वगैरह की बैग वगैरह सब कुछ भीग गए पूरे, ये देखो दिख रहे होंगे भाई। कल सुबह वहाँ जाने तक के कपड़े लिए पहनने के, सब चीज़ A to Z बैग से लेके पूरा सामान से लेके सब भीग गया है। और ठंड ऐसी हो रही है कि भाई ये भाई तो कुत्ते की तरह कांप रहा था, ये तो हालत खराब हो गई भाई। और देखो सब कच्चे अच्छे में लेटे हैं, तब वैसे भी कितना नीचे ना। बाकी भाई ये सारे कपड़े अपने हमारे गीले हो चुके हैं, और ये मैं अपने YouTube पे भी लिंक, उस पर Instagram पे भी लिंक डाल दूंगा भाई का, लोग देखो जाके और बहुत ज़्यादा प्यार दो। और अपने दर्शन भी कर लिए हमारे, हमने कैसे धाम बाबा के। और सच बताओ ये ट्रिप जो हमारी रही बेस्ट रही, आज तक की सबसे प्यारी और यादगार ट्रिप रही भाइयों। और बाकी तो कल सुबह निकलेंगे यहाँ से यार। भाइयों ऊपर हमारा रूम था, वहाँ पे हमने भी थोड़ी देर पहले चेकआउट किया यार, चाबी खो गई बाइक की, ये खड़ी अपनी बाइक यार, इसकी चाबी खो गई भाई, हैंडल भी लोगे सब कुछ लोगे, कहीं लेके भी जा सकते। अभी बुलाए हो भैया चाबी बनाने के लिए, देखते हैं यार क्या होता है भाई, पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी। अभी तो भैया ये कह रहे हैं कि इसका लॉक खुल के वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, मतलब खुलवा के लोग जो चाबी बनाते हैं। तो भाई अब नैनीताल से निकल रहे हैं यार, देख लो ये चार इंडिया बाइक में अगर आपको झूठ लग रहा हो दिख रही होगी आपको। और भाई लोग तो टूट गया, खैर लोग ही टुटवाना पड़ा भाई यार, तब जाके स्टार्ट हुई है वहाँ से, तार वगैरह कटवा के बड़ी मुश्किल से स्टार्ट हुई है। और आप नज़ारे देख सकते हो भाई, कितना प्यारा मौसम हो रहा है, एकदम मस्त। तो लग रहा है इस चीज़ का दुख है मुझे, मैं कर देता हूँ भाई न्यूट्रल, वैसे ही पेट्रोल नहीं है इसमें। और भाई ये तो खुलेगा ही नहीं टैंक का ढक्कन, तो पेट्रोल करवाने का कोई मतलब ही नहीं है अभी, ये न्यूट्रल करके कर दिया हमने बंद। भाई चाबी ऑफ होगी नहीं, इंडिकेटर इसलिए मैंने चारों बंद रखे फ्लैशर, वरना बैटरी डाउन हो जाएगी कहीं फिर स्टार्ट भी ना हो। अब यहाँ से लेके जा रहे हैं, देखो न्यूट्रल बिल्कुल बंद है, देखो दिख रहा होगा आपको है ना, न्यूट्रल करके लेके जा रहे हैं नीचे। भाई देखते हैं पेट्रोल का भी तो अभी सीन पता नहीं, हल्द्वानी में जाकर इसकी चाबी बनवानी पड़ेगी पहले, तब जाके इसमें पेट्रोल डलेगा भाई, उससे पहले तो कोई मतलब ही नहीं है कि पेट्रोल वगैरह कुछ डल जाए। व्यू चेक करो कितना गजब हो रहा है भाई, अलग ही भाई खतरनाक, और ऊपर धूप अलग ही भाई। अरे जी हाँ साल सुधर दो, ये देखो भाई ऊपर का व्यू भाई खतरनाक। तो मैंने सोची स्टार्ट है बाइक, अरे भयंकर ये वहां से आया निकल गया, और भाई देख जाएंगे यहाँ तो भाई। तो भाई ये खड़ी आपकी बाइक, लोकतंत्र लगा चुके हैं इसका। और ये आप ये नज़ारा चेक करो एक बार, कितना प्यारा व्यू आ रहा है भाई, एकदम ठंडी तो ज़्यादा लग रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और अभी हमने यहाँ पे रील्स वगैरह शूट करी है, मेरे भाई कैमरामैन देव हमारे भाई ने मेरी रील्स वगैरह शूट करी है। अगर आपको रील्स वगैरह देखनी है तो हमारे इंस्टाग्राम का यहाँ पर नेम आ रहा होगा, आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और भाई व्यू तो आपको दिख ही रहा है, अब चलते हैं अंकु आगे रुका हुआ भाई चाय की टपरी पे, चाय और ये लेने नहीं मतलब चाय लेने। करो भाई सामने उधर भाई, क्या खतरनाक नज़ारा है, ओ वो भी नज़ारा, ओ नहीं साले सुधर गए। और बंदरिया क्या हाल है, ओ बंदरिया क्या हाल है।
भाई ये देखो सीन चेक करो, बूंद आने लग गई यार, मौसम बिगड़ गया बहुत ज़्यादा। वो देखो हाँ तो बता रहा कि बूंद आने लग गई यार, अभी तो मैंने रेनकोट उतारा, देख ना अब धूप निकलती नहीं आता, घर में लगने लग गई, अब बारिश आने लग गई भाई, बूंद आ रही है, पता नहीं क्या क्या सीन हो रहा है हमारे साथ। हाँ तो मैं आपको बता रहा कि हमने भी कुछ खाया, भूख लगी थी बहुत ज़्यादा सुबह से, हमने कुछ इसके चक्कर में खाया भी नहीं यार, पता उसने मैकेनिक ने हमें 4 घंटे तो बैठा के रखा भाई, क्या गुफा सी है। हाँ तो मिस्त्री ने 4 घंटे को बैठा के रखा कि बस आ गया 5 मिनट में, आ गया 5 मिनट में भाई, 4 घंटे हो गए भाई, तब वो आया अभी भयंकर। यार भाई अभी बस बोल रहा था कि बारिश होने वाली है, मौसम बिगड़ गया है ना, कितनी देर बारिश हो गई, उनको भी बांध लिया हमने क्योंकि भीग जाते पूरे भाई। तो हम अपनी दवाई वगैरह अपनी लेके आ गए, रात को यार काफ़ी ज़्यादा फीवर हो गया था रूम पर, और यार अभी भी नहीं ले पाया था, यहाँ पर मिली नहीं कहीं भी, और यार बारिश पड़ गई इतनी ज़्यादा, और मैं भीगा तो भीगूँगा तो वैसे रेनकोट पहन लिया। तो यार भाई इसका इसकी यार चाबी तो बन नहीं पाई, 3-4 लगा दिखा लो भाई यहाँ पे, हल्दुआ नहीं है सॉरी भाई, चाबी तो बन नहीं पाई इसकी, अभी पेट्रोल डला है, ये देखो दिख रहा होगा आपको भाई, ये वाला लोग फ्री कर दिया, ये वाला भी फ्री कर दिया भाई, हो गया नाटक सही, मेरा टूर बन गया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं भाई, अब जब चाबी खोई गई तो झेलना भी है, घर तो जाना ही था भाई, यहाँ तो रुकना नहीं था, कि ऐसा करते कि हम यहीं पर रुक जाते भाई, घर तो जाना था, इसलिए भाई मैंने बोल दिया कि छोड़ दो मुझे फ्री कर दो, अब जाके देखेंगे जैसे भी लोग वगैरह डलाएंगे ना, या फिर भाई लोग डलाना पड़ेगा, या फिर क्या जब खराब ही कर गया लोग तो क्या करना। तो भाई बहुत ज़्यादा मूड खराब हो गया, चाबी नहीं बन पाई, अब जा रहा हूँ सीधा घर।